वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द कोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस. और कौन बेटर इन्फ्लुएंसर होगा हमारे बिलवड टीचर से ज्यादा. वी हैव द ओजी गैंग ऑफ टॉप रैंकर्स विद अस, पीपल फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड एंड लीगल एज, जिनको आप लोगों ने इतनी बार इतनी सारी वीडियोस में देखा है पर कभी शायद फन करते हुए इतना ज्यादा नहीं देखा होगा जो आज हम देखने वाले हैं. सो हम थोड़ा इंटिमिडेटेड हैं क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं 100K की और जुडिशरी गोल तो भी रिसेंटली बना है, तो क्लैप ऑन दैट. सो पहले एपिसोड में आप लोग को आके कैसा लग रहा है लीगल एज लॉ स्कूल में? मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी ये, बट हाउ आर यू गाइस फीलिंग? वेरी प्रिविलेज्ड, सो वेरी ऑनर्ड. आपने कभी सोचा था 100K आंसू करने आ के रहे बाद मेरे. आपको मैंने सपने में भी नहीं मिलेगा? सोचा था कि हमें ये मौका मिलेगा. फीलिंग वेरी हंग्री. मनु सर एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, जनता शायद जानती नहीं है आपको. क्या बात कर रहे हो. एक बार सुबह 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 जो हाई गाइस स्टार्ट होता है ना, हाय गाइस दिस इज मनु मिश्रा, वो साउंड जो मेरे ही है. मैंने बोला था ये लोचा है. बहुत ट्रॉमा में भाई वो. भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये मेरे साथ होता है 4 बजे वाली क्लास में जब मुझे पढ़ाना पड़ता है लंच के बाद. ये आंखों से योगा कर रही है. मेरे साथ ये मीटिंग्स में होता है. कॉफी के शॉट मार के जाने पड़ते, ब्लैक कॉफी के, तब जाके होता है ये. बच्चे भी पीछे बैठ के ऐसे 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 करने. मैंने तो कॉलेज में किया. मैं कॉलेज में ज्यादातर टाइम मेरा ऐसा ही बीता है, यही करता हूं. कॉलेज में हां टैक्स लॉ की क्लासेस में तो ऐसे ही निकला. ऐसे ही निकला. अरे ओ माय गॉड. इतना दुख बेयर एक्ट पे किसी को मैंने जताते हुए नहीं देखा. आप देख रहे स्वामी बड़ी ये कनिष्क के सामने जो बैठा है वो बढ़िया खुश लग रहा है. चिन्मय. चिन्मय फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट है ना सर. फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट. फर्स्ट एस्पिरेंट है ना. पर मुझे चिन्मय सर का ग्लास खाली क्यों लग रहा है? भरने की इतना इजाजत नहीं मिलेगी. इतना ही मिलेगा. इस पे शायद ध्यान नहीं दिया गया. इतने में इतना ही मिलता है. इतना ही मिलता है. वो उसमें भी खुश है, ये भी देखो ना. अरे इसके बारे में तो मनु भी बता सकता है ना. मनु हाँ तू भी कुछ बता सकता है चिन्मय के बारे में. ज्यादा हो जाएगा फिर. ज्यादा हो जाएगा फिर. True story. बहुत सारे जुडिशरी वाले भी यही बताएंगे. ऐसे नहीं दिया सर. सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ. अरे पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा. स्टडी 3421. सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है आप साहब. कई हुजूर सारा केस एक ही पीएस का है हुजूर, समझे कि नहीं? और सब केस सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे, सब में हम हुजूर बेल पे हैं. समझे कि नहीं तो ऐड नहीं करना. सॉरी माय लॉर्ड. नहीं नहीं ठीक है. नो नो सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी माय लॉर्ड. गलती से निकल गई हूँ. गलती से निकल गई. समझ गया. बट बड़ा अटपटा सा लगता है सुनने में. जी गलती हो गई दोबारा. इन कस्टडी सेंस. यार कनिष्क कौन से साइड वाले हैं ये? समझे कि नहीं समझे? सर ये कोई भी साइड होता क्या? कलाम को पकड़ ही लेता है कोई ना कोई. मैं जाना मुझे मुझे हमारे इस साइड के लग रहे हैं. यूपी साइड के लग रहे हैं. ये साइड के लग रहे हैं. अरे समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? इन 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 जज को, इन जज को देखिए लग रहा है ये ना सही में जीप से पोंछा लगवा देंगे ये. समझे
कैसे बोल रहे भाई। अरे यहाँ पर भी जब अपन जुडिशरी के इंटरव्यूज करवाते हैं कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, कहते हैं व्हेन वी आस्क कि भाई चलो अब दूसरे उससे सवाल पूछते हैं, दे लाइक हाँ यू कैन आस्क। मैंने कहा थैंक यू फॉर गिविंग मी द आप नहीं बताते तो शायद हमें याद नहीं आता कि बंदर इंटरव्यू में हुआ ही भी ये था ना, पूछा था कि आपको कैसा लगा, आपने कैसा इंटरव्यू दिया, अच्छे सवाल पूछे आपने। वैलिडेशन वैलिडेशन बहुत सबर है, बहुत सबर है। मुझे इंसान कहा कि आप मेरा सर भी फाड़ देंगे ना, मैं फिर भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। अरे वाह, मतलब ऐसा ये है मैं क्या अर्पिता से पूछना चाहूंगा, दिस इज द रियलिटी। बहुत सबर वाली रियलिटी में थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है ये। सर फाड़ेंगे टू फेसेस ऑफ एवरी फैकल्टी, एक कैमरा के सामने एक ऑफ कैमरा। भाई मैं पूछा लगा अर्पिता से ये कैमरा के सामने वाला सीन है। अरे भाई एआईबी के लिए बेरेक्स ले ली क्या यार? भाई मेरा तो बहुत दूर संडे डाल दिया यार, बहुत ज्यादा दूर, 2 घंटे लगेंगे यार जाने से मेट्रो में यार। अरे भाई ये विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली कौन सी बेरेक्स होती है यार? फोटो कॉपी करा लेते हैं यार, क्यों खरीद रहे हम बेरेक्स? भाई यार अगर इसमें भी फेल हो गए ना बहुत बेइज्जती हो जाएगी यार, थोड़ा पढ़ ले यार। पहले मुझे बताओ एआईबी के लिए बैराक्स खरीद कौन रहा है? कौन है वो जो नई बैराक खरीदने जा रहा है एआईबी, जिसने पूरे 5 साल बैराक नहीं खरीदे वो बैराक नहीं खरीदने जा रहा है। और वो भी जिसमें शॉर्ट्स नोट ना हो, वेरी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशंस वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये एक्सपीरियंस मैंने 5 साल में कम से कम 40 बार किया है। जब सूट पहन के निकलूंगा तारीफ होगी मेरी, दुनिया कहेगी बाबा क्या बात है तेरी। अरे रे 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 रे, तो स्टूडेंट्स सूट थोड़ी पहनते हैं, वो तो अदृश्य चोगा पहन के घूमते हैं। एक बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था सेकंड सेकंड ईयर में, इंटर्नशिप मैं कर रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो पता नहीं होता इंटर्नशिप में हाई कोर्ट में लैपटॉप अलाउ है कि नहीं, बैग लेके आ गए अपन कि भाई लैपटॉप में कुछ ना कुछ सर्च करनी होगी। अब वहां पर मेन गेट पे 2-स्टार ऑफिसर खड़ा हुआ था, पुलिस ऑफिसर, उसने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई लैपटॉप अलाउड नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आई एम एन एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट है मैं, एडवोकेट हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड होगा। उसने बोला नहीं अलाउड है, आप ले जाओ अंदर, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है, चोरी हो गया तो कोर्ट के अंदर अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है नहीं अलाउड, तो मैं वापस घर गया। मैंने कैसे तो इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी इसने। मैं वापस घर गया, घर पे अपना मैंने बैग रखा, वापस आया, उसने सैल्यूट किया मुझे, मुझे फील आया कि यार ये बात है प्रॉपर। यही आप इसमें मनु सर क्या की बात पिक्चर इमेजिन होगी कर सकते हैं, कोट पहन के मेरी निकलूंगा तारीफ होगी मेरी। अगले एडिशन में इसमें मनु का फोटो मॉर्फ होना चाहिए, है ना? अभी मैं आऊंगी। इसके अलावा मुझे लगता है लॉ स्कूल में भी जैसे ये तो होता था कि कोई भी टीम अगर मूट कोर्ट जीत जाती थी तो ओहो ऐसे ही चलते थे, भैया हम ही बॉस है। अरे मुकुट अरे जूनियर हमारे नीचे मैं ही मैं हूँ। कंपटीशन के दौरान ही जो चिकनाई आती थी चेहरे पे लड़कों की, कबीर सिंह से जब जो गोविंदा बनते अच्छा थे। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा। अंकल ने जिस तरीके से अपनी पैंट ऊपर की फ्लो फ्लो में डांस के स्टेप बना के मुझे अभी भी इसमें समझ नहीं आया कि ये सक्सेसफुल लाइफ इन लीगल फील्ड, मतलब ये कब की सक्सेसफुल लाइफ की बात कर रही है? उम्र देखो ना आपकी, उम्र इसकी देखो ना, एज देखकर आपको क्या लगता है? उम्र देखो अभी ना हम तो नहीं कर पाएंगे ये वाला डांस। मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा ना, करना सब चाहते हैं। What do you guys do? Like law students. Law students. Yeah. What's the best thing about studying law? There's no benefits, zero benefits. No, we can make up rules and people will be like, oh. We can sound smart. What's the worst thing about studying law? Studying it. Studying it. इसके चेहरे पे दर्द देखो आप। ये वही लड़की है जो नोट्स अप्लाई करती थी। Studying it, studying so much of it.
भाई लॉ ही नहीं खत्म हो रहा, 5 साल हो गए, पीएचडी चल रही है, लॉ ही नहीं खत्म हो रहा। और होगा भी नहीं, हर चीज के लिए कितने सारे हैं यार। एंड पता है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वंस यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, लॉ तो आपको सारे आते होंगे, सारे आते होंगे। हाँ हाँ, फ्रेंड का फोन आने लगता है कि टैक्स कट रहा है, क्या करे, तू बता दे, तू टैक्स लॉ तो पढ़ा होगा ना। अरे मेरे एक दोस्त का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉल आ रहा है, मैंने ये तो मैंने कभी किया ही नहीं भाई, माइनिंग लॉ तो अलग पढ़ने पड़ेंगे। आपसे तो फिर भी ठीक है, मेरे घर वाले तो ग्रेजुएशन डिग्री हाथ में चलते फिर तो बोलते अच्छा सेक्शन 321 में क्या है आईपीसी की जरा बताना। 3 बार डिग्री देखनी पड़ती है, आर यू श्योर अबाउट दिस, ये मुझे मिलनी चाहिए। क्या हुआ गणेश सर, कुछ याद आ गया ऐसा कभी क्लास में, क्या कुछ हुआ, क्या होता रहता है मैं बता नहीं सकता हूँ ऑन स्क्रीन। मेरे साथ ये कमेंट पे हुआ था, समबडी रोड गुलगुलू गुलगुलू, पता चला कमेंट में भावनाओं में बह जाते हैं ना। फैकल्टी वॉच फैकल्टी, ये जो भी लॉ स्कूल्स में सेमिनार वगैरह होते हैं ऑडिटोरियम में तब ऐसा बहुत होता होगा। यार कोई कुछ नहीं बोलेगा इस पे, ये सुपर ट्रेंडिंग रील है हमारी, क्लास चल रही है जनता को मार खाते हुए तो हर किसी को देखना ही पसंद है, उसमें क्या हो रहा है। और फैकल्टी मार खाए दूसरी फैकल्टी क्या से बात है? यही तो गॉसिप है, यही सवाल आप मुझसे 100-110 दिन बाद पूछिए, मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा। वो समय भी यही बोलेगा। मुझे क्लास में भी कभी कभी यही बोलने का मन करता है। मैं 100% श्योर हूँ इसने 110 दिन भी गलत कैलकुलेट किए होंगे। नहीं तो ऐसे में तो हम बच्चे, हाँ बेटा कितना सिलेबस हो गया मैम, आप अभी 110 दिन पहले पूछिएगा। धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा, धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी होने इंतजार मुझे तेरा। 30 years apart मतलब सल्लू भाई पे कोई नहीं हंसेगा। सबके भाई, किसी का भाई किसी की जान, लेकिन सबके भाई जान है वो। सलमान भाई है हमारे, सलमान भाई और कोर्ट का इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हाँ वो तो क्या पता वार्म अप करते भी हो। सलमान भाई है, यूएस नहीं ढूंढ पा रहे अल बगदादी को, लेकिन सलमान भाई बोलते हैं कितने लोगों को बचा के लाना है, मैं जाता हूँ। कुछ महीनों की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ महीनों की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का तो सिर्फ वक्त आता है, तुम सबका तो दौर आएगा। समझ में आएगी नहीं पहले बताओ, चलो एक बार रिपीट करते हैं। कुछ महीनों की खामोशी है फिर शोर आएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा टाइम, मतलब कवि इसमें, कवि इसमें कहना ये चाहते हैं। देखो वही समझा रहे कवि, ये देख के बोल रहा है, ये देख के बोल रहा है, मैं नहीं मानूंगा ये देख के बोल रहा है। और वो दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा है टू चेक कि कहीं सही तो नहीं बोल दिया। अनु सर क्या उत्कर्ष सर कॉलेज में भी ऐसे शायराना टाइप के थे क्या?
मैम बहुत ज्यादा अभी देख के ही बोलता था क्या? हाँ देख के ही बोलता था, देख के ही बोलता था क्या? और क्या, उसके बाद में एक्सप्लेन भी करते थे। तो इस लाइन का इंटरप्रिटेशन ये है कि आपको लिटरल नहीं लेना, गोल्डन रूल अप्लाई बट लॉयर एट हार्ट। उसको पता है कि उसका मेमे लिया अपन ने? नहीं मुझे नहीं लगता। यार पता है मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरे पापा का तो नहीं पता, पर मेरे मामा को अगर किसी दिन पता चल जाएगा ना कि मैं LLB के बाद जुडिशियरी सोच रहा हूँ, अगर मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं है, बट होगी तो कैसे ही करेंगे। सर उनके लिए थॉट ही काउंट करता है। और गलती से निकल गया तो सोचो। भाई सिर्फ थॉट से काम नहीं चलता, घर वाले तो पूरे हाथ पैर धो के लग जाते हैं। मेरे पापा मुझे कहते हैं इतनी बार अगर मैंने डायना को बुला होता तो डायना भी जज बन जाती। डायना इधर आओ। हमारे व्यूअर्स के लिए डायना हमारे पेट का नाम है, और उसके बाद उसमें जज की कैपेबिलिटी है, उसके पास भी एक लॉ डिग्री है। वो जज करती है, आप उसके साथ जज करती है आपको। पर्सनालिटी तो उसकी जज वाली है ना। पर्सनालिटी बराबर है, पर्सनालिटी तो उसकी जज वाली है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अगर आपके पापा है उसका, अगर अगर आपके फादर लॉयर है तो फिर ठीक है। मैं अपने घर की कंडीशन बता रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी और चीज की, घर वाले बोलते हैं जुडिशियरी का फॉर्म भी भर दे। मैंने कहा पढ़ी ना हो जुडिशियरी का, कहते भर दे भगवान चाहेगा तो निकल जाएगा। मैंने कहा ये क्या होता है। ओके सो फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, आई होप यू गाइस हैड अ ग्रेट टाइम सीइंग ऑल द फैकल्टीज अराउंड लीगल एज, जुडिशियरी गोल्ड और लीगल एज लॉ स्कूल। को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको और ऐसी फन वीडियो चाहिए। और ये तो पहला वीडियो है गाइस सोचो कोर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस का, आगे और भी मजा आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। और सारी अपडेट्स के लिए वो बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।